इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। दबाव मांग रहा है। सॉरी एंजल फ्रॉम स्काई, मेरे साथ यहाँ पीछे ये बातें करने में लगी हुई है। जे आए हैं। हाय जे, क्या हाल है आपका? बस आप बताइए कैसे हो? मैं फिट फाट हूँ, यू नो, जैसे दिख ही रहा है। बताइए कैसे हो? लाइफ कैसी है? लाइफ बिजी चल रही है कुछ ज्यादा ही। आई नीड मोर हैंड्स। मेरी भी बहुत बिजी जा रही है। ऑक्टोपस होना चाहिए। मैं अपनी बच्ची को ये बोलती हूँ ना, मैं कहती हूँ मैं ऑक्टोपस दिखती हूँ, वो एक काम नहीं होता है, एक वक्त में वो चार काम मांग रही होती है मुझसे करने के लिए। मम्मी ये भी, मम्मी वो भी, मम्मी वो भी। मैं तुम्हें ऑक्टोपस दिख रही हूँ यहाँ पर कि मेरे इतने हाथ हैं। पूरा पूरा जवाब पीछे से, ऐसा हो नहीं सकता कि जवाब नहीं आए। जवाब पूरा पूरा आना है। बच्चे हैं क्या करें? अच्छा ये कह रहे हैं, it takes only a few madmen to hurt you, don't come to subcontinent until these sunnis and dunnis are back in their senses, it'll take lot of time. पाकिस्तान तो आई नो कि मैं नहीं जा सकती हूँ, मगर इंडिया का ये है कि अगर मैं किसी को ना बताए, चुप चुपाए अगर मैं चली भी जाऊँ तो आई डोंट थिंक इट विल बी लाइक दैट। इवन पाकिस्तान भी चुप के जाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, अनलेस कि मेरे ऊपर FIR कटी हुई हो, फिर हाँ मैं जब जाऊंगी तो वो मुझे एयरपोर्ट पे ही अरेस्ट कर लेंगे, यू नो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ नहीं, आई डोंट थिंक इंडिया इज गोइंग टू बी, और मेरी फैमिली वहां पर है, ऐसी बात नहीं है, लाइक आई हैव फैमिली दैट लिव्स देयर, friends that live there. तो अगर मैं गई भी तो मैं चुप चुप करके जाऊंगी, वरना तो एक पागल मेरे वैसे ही पीछे पड़ा हुआ है। Certified पागल। हाँ, उसके पास सर्टिफिकेट है पागल बन का। मुझे नहीं पता चलता मैलीज, हमारी स्ट्रीम चल रही है और वो अभी जग रहा है। भाई वो तो 5-5 बजे तक, यहाँ के 5 बजे तक स्ट्रीम कर रहा होता था सारी रातें। So like, oh my God, you know? वो ही एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद मुझे स्ट्रीम पे ले ले। Not a chance anymore. Like seriously, बस बहुत हो गया है वो तो। खैर उसके तो मैं बात भी नहीं करती। देना भी नहीं। आपको तो पता है कि I hate, you know, आपको तो पता ही मेरा भी उसके बारे में। हाँ नहीं, बस वो एक चीज थी, वो खत्म हो गई है, and you know I'm glad कि वहाँ से कोई और लोग यहाँ आ जाए नहीं है। ऐसी जो वही आया था पावर, तो उसको तो खैर, you know। अच्छा ये कह रहे हैं, इंडिया की 122 बिलियन डॉलर की टूरिज्म इंडस्ट्री है जो हर साल 10% बढ़ रही है, किसी को आना हो तो आए, ना आना तो ना आए। ऐसी बात नहीं है, मगर वैसे भी अगर मैं कहीं भी जाती हूँ, अगर मैं पाकिस्तान भी जाती हूँ, तो मैं सबसे पहले भी गई थी जब पाकिस्तान, तो मैं जाकर फौरन वहाँ की एम्बेसी से फौरन कॉन्टेक्ट करती हूँ ताकि उनको पता चले कि मैं यहाँ आ गई हूँ, और अगर मुझे कुछ होता भी है, इफ समथिंग विल हैपन टू मी, तो उसके बाद जो है फिर मैं कनेडियन एम्बेसी जो है ना वो पकड़ेगी इंडिया की गवर्नमेंट को, अगर मुझे कुछ होता है तो। वैसे मैंने इंडियन एम्बेसी फोन करने की कोशिश की थी जस्ट टू सी ना कि क्या हो सकता है इस बंदे का, उन्होंने वॉइस मेल ही नहीं सेटअप की हुई है। नहीं आप एक काम करो, पर्सनली जब भी टाइम मिले आप जाओ। हाँ मुझे जाना पड़ेगा, मगर मैंने कहा मैं फोन करके पूछूं, तो फोन में उन्होंने वॉइस मैसेज भी नहीं सेटअप किया हुआ है कि बंदा वॉइस। एक काम करो, टोरंटो, आपने कहा कॉल किया था टोरंटो के कॉन्सुलेट पे कॉल किया था, तो आप एक काम करो वहां पे पर्सनली जाके देख लो एक बार, जब भी आप डाउनटाउन जाओ तो होगा, क्योंकि मे बी फोन लाइन कोड की वजह से आई थिंक वो पूरा स्टाफ नहीं होगा वहां पे। आई डोंट नो, मैं देखूंगी शायद ओटावा में हो या कहीं और हो, आई विल ट्राई टू सी इफ आई कैन फाइंड, मगर मुझे जाना तो है वैसे भी इंडियन एम्बेसी, आई हैव टू गो देयर, तो देखें कब जाना होता है, क्योंकि मुझसे दूर है ना, इट विल टेक मी लाइक अ व्हाइल। सो एक बज गया, गुड नाइट मित्रों, चलें गुड नाइट, एक बज गया बस, अभी एक ही बजा है सिर्फ, तीन घंटे पीछे ना आप लोग, तीन घंटे नहीं आने वैसे नाइट टाइम, आई जस्ट गो लाइक बैक 3 days। और बताओ कैसा है सब कुछ? सब कुछ ठीक है, बस बिजी आई हैव बीन सो बिजी विद लाइक
इन्हीं चीजों पे, वीडियोस एंड सोशल मीडिया, बस इन्हीं चीजों में बिजी हो रहे हैं। और इसकी बर्थडे आ रही है। ऐसा ओ यार सॉरी, मैं बताना ही भूल गई कि थैंक यू हमारे दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी मेरी क्या मदद क्या की है, वो जैनिया के लिए कैंडीज भेजी है, कैंडीज के पैसे भेजे या प्रेजेंट के पैसे भेजे कि जैनिया को ये लेके दे देना। तो आई रियली अप्रिशिएट, काफी सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ नहीं है, ओनली फैंस में है, चंद पेट्रियन पे हैं, एंजल फ्रॉम स्काई जिस दिन से मैं आई हूँ इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, ही इज ऑलवेज बीन अ मेंबर। तो जितने भी आप लोग मेंबर्स हैं, हर कोई यहाँ पे सिर्फ ठरक की वजह से नहीं आता है, देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल दैट सपोर्ट मी बिकॉज ऑफ माई व्यूज, मेरे व्यूज की वजह से, और वो एक तरह से आपकी यानी फैमिली बन जाती है, उनको पता है मेरी बच्ची भी है, तो वो उसको भी भेजते रहते हैं। तो आई एम रियली लाइक टच्ड कि आप लोग ये सब कुछ करते हो, आई रियली फील इट, एंड जेनिया आल्सो लव्स इट। मैं खरीद के दे देती हूँ उसको कैंडीज, थोड़ी मैं भी खा लेती हूँ। कल हमने कुकीज बेक किए ना, तो आई एम नॉट अ गुड बेकर, मैं खाने बना लेती हूँ मगर मुझसे बेक नहीं होती चीजें, तो मैंने कहा चलो कुकीज बेक करते हैं। कुकीज बेक करके मैं बाहर सिगरेट लेने चली गई, वो जल गए, पहला बैच जल गया, फिर मैंने दूसरे बनाए, वो दूसरे बनाए वो बड़े जबरदस्त बने थे, दे वर सो गुड। तो आज हम बैठ के, और उसने कहा है कि आज बंच बनाएंगे ताकि वो सारे वहां पर हों, क्योंकि शी वाज आएंगे, वो सो गुड। मुझे तो ओवन ऑपरेट करना भी नहीं आता ठीक से। हाँ ठीक से, मतलब आई नो बेसिक थिंग्स, पर इतना नहीं, खाना मैं बना लेता हूँ जो बनाना वो पूरा। अच्छा हाँ, मैं वो देख रही थी, अगर आपने वो सीरियल देखा हो ऑन नेटफ्लिक्स पे है, द कैनेडियन बेकिंग शो करके नाम हाँ, से हाँ, उसमें उसमें मान लीजिए एक फर्स्ट सीजन में जो लड़की जीती थी ना, जूविश गर्ल आई थिंक फर्स्ट या सेकंड में, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वो उसका पूरा बेकिंग में ही आई थिंक वो ही होस्ट कर रही है, राइट? एक थोड़ी लंबी लड़की, आई डोंट नो कि अब वो होस्ट कर रही है, मगर नहीं ये इसके चार सीजन आए थे, और उसमें पहले सीजन में मैं ये देख रही थी कि पहले हम लोग देखते थे ना कुकिंग शो में तो सारे गोरे ही होते थे, मगर इसमें पहले सीजन में एक इंडियन लड़की थी, फिर दूसरे सीजन में इंडियन भी थी और इंडियन बंदा था, और एक पाकिस्तानी औरत ही हिजाब पहन के वहां पर आई। That was good to see. फिर थर्ड में भी उसमें इंडियन थे दो, और एंड में भी, फोर्थ में भी एक फिनाली तक पहुंचती है इंडियन। दो सीजन जो थे उसमें फिनालीज में इंडियंस पहुंचे। आई एम जस्ट सेइंग कि इंडियंस कितने यहाँ पर आगे आ रहे हैं। अगर हमने एक पाकिस्तानी देखा तो मैंने उसमें पांच इंडियंस देखे थे। सो दे आर गेटिंग आउट देयर एंड देयर ऑन बिग स्क्रीन एज वेल नाउ। चाइनीज भी थे, एशियंस भी थे। नहीं हाँ, so, देखे, इंडियंस तो है ही यार, इतना ग्रोथ है। बट मैं जो शो बोल रहा हूँ शायद वो दूसरा है, तो फिर या वो शो मैं आईपीटीवी पे देखता हूँ, बट आई थिंक वो सिटी टीवी या सी टीवी आता है, तो वो टोटली डिफरेंट है, और उसमें भी यही है, बेकिंग और केक्स पे ज्यादा से ज्यादा फोकस है। थैंक यू आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। हाँ नहीं, बहुत सारे ऐसे शो, नहीं कौन आ गया भाई जिसको ब्लॉक किया जाए। देयर इज अ लॉट ऑफ द शोस, बहुत सारे। अभी एक और भी थी ना बंदी, वो होस्ट करती थी, वो भी इंडियन ही थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट शी होस्टेड अ शो, इसी तरह से कुकिंग शो आता था एक, तो वो उसमें होस्ट करती थी। देयर इज अ लॉट ऑफ इंडियंस इन हॉलीवुड नाउ, या हमारे मेन स्ट्रीम में, पहले इतने नहीं थे जितने अब इंडियंस आपको दिखते हैं। आपके व्यूज खत्म हो गए हैं, अच्छा तेरा ठोकू डैडी, कोई बात नहीं, वो सारे ओनली फैंस में पहुंच गए ना, इस वजह से मैंने प्राइवेट कर दिया सब कुछ, मैंने कहा फ्री में क्यों दिखाऊं आप जैसे वो, राइट? आप यहाँ आते हो हमेशा, आप तो आगे दे रहे हो ना व्यू मुझको। अच्छा तो मैं देखती हूँ, लास्ट में लिंक दे रही हूँ, अगर किसी ने आना है तो मुझे बता दीजिए, वरना फिर मैं बंद करूंगी स्ट्रीम को। बच्ची आ गई है ना घर पे, तो अब खाने पीने का जो है हिसाब चलेगा। तो बच्ची आ जाती है ना तो कुत्ता भी हो जाता है बस, मुझे भी। इन पर्सन लर्निंग है अभी या फिर ऑनलाइन? नहीं नहीं, अब तो इस साल तो मैंने इसको स्कूल में भेज दिया था। परफेक्ट। मास्क पहनाओ ना पहनाओ पर भेजो। नहीं मास्क पहन रहे थे, अब खत्म हो गया मास्क, राइट, इन स्कूल, तो वो भी कह रही थी कि इट्स सो मच बेटर, मगर जैसे ही अभी ये खत्म हुई है ना सब कुछ, तो मेरी मम्मी को लगा, वहां पे घर वालों को लगा, फिर उसके बाद मुझे सुनने आया कि इसकी एक फ्रेंड को यहाँ पे स्कूल में जाती है उसको लगा, उसकी माँ को लगा, फिर और चंद बच्चे जिनको मैं बेबी सिट वगैरह करती हूँ स्कूल में यहाँ पर, वो भी जाते हैं, उन उस बच्चे को भी लगा, उसकी माँ को भी लगा। मैंने कहा एकदम से अब सबको लगना शुरू हो गया। पहले मुझे, मैंने सुना ही नहीं था किसी का, अपने करीबी का, कि किसी को लगा हो, तो मैं बची भी हूँ, आई एम जस्ट लाइक दूर रहो मुझसे सब लोग। डेफिनेटली नहीं लगना, तो
अब देखो फिर से तो ये रिस्ट्रिक्शन होने नहीं वाले जो हमारे वहां पे थे, राइट? आई क्योंकि होप वैसे भी नॉट. जून में नहीं, वैसे भी जून में इलेक्शन आ रहा है तो वो नहीं करेगा। अच्छा, हाँ हाँ, आपके पास कोई औरत नहीं आती क्यों? क्योंकि तुम लोग औरतों को किचन से बाहर निकलने दोगे तो वो आएंगी ना. तुम लोग सारे औरतों को किचन में घुसा के रखा होता है 24 घंटे, राइट? और औरतें आती हैं यहाँ पर, औरतें सुन रही होती हैं. मेरे फेसबुक पे अगर कोई औरत आकर, अगर कोई मर्द भी होगा ना, औरत की तस्वीर लगाई होगी, नीचे आके हाय लिख दे, तो उसके नीचे इतने कमेंट्स आ जाएंगे, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना शुरू हो जाएंगे. सो औरतें इस वजह से भी नहीं आती हैं. आई कैन बी पता नहीं क्या नीचे यहाँ पे. वैसे ये आए थे यहाँ पे शब्बीर, ये देखें जरा, इन्होंने ये इस्लाम की कितनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं. वैसे आप शब्बीर जी, आप यहाँ पर आके जो बोल रहे थे, इन्होंने कहा आई एम शब्बीर मीर, नया नाम इन्होंने लिखा है, तेरा ठोकू डैडी. ये इस्लाम ने सिखाया है इनको कि ऐसे नाम लिखकर ना जाया जाए औरतों की स्ट्रीम पे, और वहां पर जाकर ना इस तरह से बोलना चाहिए, वो आप जैसी नहीं है इसलिए. मेरे जैसी का क्या मतलब है? मेरे जैसी का क्या मतलब है? यानी आपकी गांड तशरीफ आपको पेश कर देती हूं मैं इसे ऐसे? ये मेरी समझ में नहीं आता, मेरे जैसी क्या भाई? आप लोगों का यहाँ पर आकर आपको 2 इंच का फील होता है, मैं फील करा देती हूँ, इसमें मेरा कसूर नहीं है ना. आपका जितना इंच का है उतना ही इंच का होगा. जस्ट बिकॉज ऑफ मी यू फील इट दैट वे, आपका ईगो हर्ट हो जाता है. मैं क्यों किसी मर्द के कहने पे चलूं? मैं क्यों चलूं तुम्हारी बात पे? हाँ, मैं क्यों चलूं? तुम्हारा इस्लाम कहता है ना, तो तुम उसको उठाकर अपनी गांड के अंदर डालो. मुझको क्यों बोल रहे हो? फिर बोलते हो मैं तमीज ही करती हूँ. हाँ मैं ये कह सीखो रहा हूँ। पहले, खुद तो नहीं सीखो नहीं पहले. क्या हाँ, कह रही है, मैं कह रहा हूँ कि वो औरतें आपके पास इसलिए नहीं आती कि वो आपकी तरह औरतें नहीं है। जो नजरिया आप पेश कर रही हैं वो तो आपको मानती नहीं है, वो तो आपको मानती नहीं है। कैसी औरतें, कैसी औरतें, कैसी औरतें, कैसी औरतें? पाकिस्तानी औरतें जिन औरतों को आप बदलना चाह रही हैं। मुझे तो बहुत औरतों के मैसेजेस आते हैं. देखिए जो औरत मार्च होती है जिसमें चंद सौ औरतें जाती हैं, वो कह रही हैं जी औरतें पिस रही हैं पूरे पाकिस्तान में, बहुत बुरा हाल है, पाकिस्तान तो जंगल जैसा है। लेकिन उन औरतों को तो कोई आम औरतें भी पसंद नहीं करती, हमारी जो सोसाइटी के अंदर औरतें हैं वो कौन खुद नहीं उन पर पसंद लानत करती? करती हैं। कौन नहीं पसंद करती है? जो आपका इस्लाम फॉलो कर रही है वो नहीं पसंद करती है, हाँ ये कह 95% रहे पाकिस्तानी औरतें नहीं पसंद करती उनको। हो आप? तो नहीं करती हूँ. ऐसा ऐसा होंगी चेंज. अब उनकी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है. अब किसी को आप इतने ऐसे तक स्लेव बना के रखोगे तो उसको ऐसा ऐसा टाइम लगेगा ना, एक दिन में थोड़ी खुल जाएंगी सारी औरतें. और स्लेव आप बनी जिन हुई है वो। लोगों नहीं सुन रही है, आपको क्या पता? आप मेरे इनबॉक्स में घुसे हुए हो, आप मेरे ईमेल में घुसे हो देखने के लिए कि कितने लोग मुझको मैसेजेस करके बताते हैं कि वो क्या है क्या नहीं है, कितनी सपोर्ट करते हैं. आपको क्या पता? आप वहां बैठ के मेरी लाइफ पे जजमेंट्स पास कर रहे हो, बस बैठ के, कि ऐसी औरतें तो वैसी औरतें. आप जैसे मर्द जो होते हैं ना, आप जैसे मर्द जो हैं वो समझते हैं कि हम ही सब कुछ हैं. मर्द हम मर्द हैं तो हमें एक्स्ट्रा टट्टा दे मिल गया है, ऐसी बात नहीं है. आप मर्द है, कोई आपने कोई वो नहीं कर दिया है. इट इज नॉट अ मिरेकल. ठीक है जी. हाँ जी, तो मैं यही कह रहा था ना कि देखें आप अगर जो जिसमें ये थी, क्या नाम था जिसकी लड़ाई हुई थी उसके साथ, खलील रहमान के साथ, उसका नाम क्या है, मारवी सरमत शायद, वो अब पाकिस्तानी औरतों को रिप्रेजेंट नहीं करती। पाकिस्तान की 95% औरतें उसको अपनी लीडर नहीं मानती। तो आप भी उन्हीं की तरह एक औरत हैं जो कि एक फजूल की एक कोशिश कर रही हैं, लेकिन आपकी वो मूवमेंट जो है आपकी कोई फॉलोइंग औरतों के दरमियान नहीं है, आम औरतों के दरमियान, तो आप बेमकसद काम कर रही हैं। सोच है ना, वो आपकी सोच है, आपकी सोच में वो नहीं है. मैं इतनी पाकिस्तान में औरतों को जानती हूँ जो मुंह खोल के इसी वजह से नहीं बोलती हैं, क्योंकि जैसे वो बोलना शुरू करेंगी तो आप बोल दोगे कि तुम ऐसी औरत हो, फौरन 2 नंबर औरत बन जाती है, राइट? तो इस वजह से मुंह खोल के नहीं बोलती, मगर बहुत सारी औरतें हैं. मैं बताता हूँ उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि वो औरतें जो आप उनको सिखाना चाह रही हैं वो करना नहीं चाहती। बोलती ना, मैं बोल नहीं वो रही हूँ खुश तो हैं आप सर मैं क्या उसमें। बोल रहे हो? अरे मैं बोल रही हूँ तो नहीं आप क्या करते हो? आकर जैसी कोई औरत बोलती है तो आप आकर उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हो. सबसे पहले जी आप मैं तो ही नहीं कर रहा। कभी आप नहीं, नहीं आप क्यों नहीं ये बोल देना कि तुम जैसी औरत, यही मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन है. क्या नहीं 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 मतलब नहीं तुम ऐसी बात जैसी औरत? नहीं, मेरी आप जैसी औरत जैसी, से क्या आपकी मतलब टाइप है तो है आपको? ना, आप मतलब ये आपकी क्या टाइप की। टाइप है? बोले ना क्या टाइप है, बताओ.
हर इंसान की कोई ना कोई टाइप होती है, ये जेब बैठा हुआ है इसकी भी कोई टाइप है, मेरी भी कोई टाइप है, इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना। आप मुझे टाइप का नाम बताए ना, आइडेंटिफाई करें, मैं आपका टाइप बताती हूँ। फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट, मैं फेमिनिस्ट की बात कर रहा हूँ। शबीर आपकी बात बहुत ही भाग है, आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ जी करें। ये आप अभी कह रहे थे कि ये वो मारवी सरमद वो रिप्रेजेंट नहीं कर रही पाकिस्तानी वुमेन्स को, ये कहा ना आपने? हाँ मैंने कहा। जी जी, तो अगर मैं ये कहूँ कि ये माली सरकारी जो है ये हजरत आयशा को रिप्रेजेंट करती हैं, वो एक फाइटर थी, ये भी फाइट कर रही हैं, तो आप क्या समझते हैं मैं गलत कह रहा हूँ? आप जानते हैं कि वो एक फाइटर, एक कमांडर वुमेन थी हजरत आयशा? देखिए वो मुस्लिम थी ना, ये मुस्लिम तो नहीं है ना। चले वुमेन तो थी ना, वुमेन तो थी ना। अब मुझे मुझे ये बात बताएं कि कोई आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, आपको पता है एक जंग जमल हुई थी, स्टोरी का पता है आपको? जरा बताइएगा मुझे। जी मुझे पता है जंग जमल। हाँ जी ठीक है, तो वो भी फाइट उन्होंने की थी और शी इज आल्सो अ फाइटर, ठीक है, ये उनको रिप्रेजेंट कर रही है। अब मुझे बताएं ये क्या गलत कर रही है? अच्छा हमारे पास ये एक मिनट रुके जरा। जी बोले। तो ये बेमकसद बातें करें, इनमें कहा कि कौन सी टाइप, मैं टाइप से मुराद ये कि फेमिनिस्ट, एथियस्ट, इनकी बात कर रहा हूँ। अब आप इतनी इनसिक्योर हैं अपने हवाले से तो फिर हम क्या कह सकते? मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताएं, मेरा आप कह रहे हो कि मैं एक फेमिनिस्ट जो है जो कहती है कि मैं एक इंसान हूँ, तुमको अगर वोट करने का हक है तो करने का हक होना चाहिए, ठीक है, तुमको अगर जायदाद में हक है तो मुझे भी पूरा जायदाद में हक होना चाहिए, मुझे भी हक होना चाहिए कि मेरे नाम पे घर हो, मुझे भी हक होना चाहिए कि मैं जहाँ काम कर रही हूँ मुझे इक्वल पे करनी है, मैं भी अपनी उतनी गांड मरवा रही हूँ जितनी जो मर्द मरवा रहा है, तो मुझे कम पे क्यों मिलेगी? अगर मैं ये कह रही हूँ कि मुझको इक्वल हुकूक मांगने हैं तो मैं वो टाइप की हो जाऊंगी, फेमिनिस्ट टाइप की हो जाऊंगी? यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि नहीं हजूर आप रख लो सारा और मुझको थोड़ा जो क्रम है ना वो दे दो, मैं उसी में खुश हूँ, ठीक है, अब मैं घर में बैठती हूँ बच्चा कुंवारी करती हूँ, आप जाके चार चार बीवियां रख ले, मैं अगर मर्द के हिसाब से चलूं इनके हिसाब से चलूं तो मैं अच्छी औरत हूँ, अगर मैं इनके हिसाब से नहीं चलूंगी तो मैं खराब औरत हो जाऊंगी। तो ये आपकी थिंकिंग है, ये आपके टाइप के लोग मालिश। हाँ मैं इधर ये ऐड करना चाहूंगी कि जो मर्द होते हैं जो जिनमें गंदी आदत होती है या जिनका मिजाज भी गंदा होता है उनको भी माफी मिल जाती है, तो अगर एक लड़की का थोड़ा सा मिजाज गुस्से वाला हो जाए या थोड़ी सी बिचारी गालियां देने वाली हो जाए तो उस पे लेबल लग जाता है ना कि वो गंदी ही है, इसने गंदे काम किए होंगे, ये सेक्स भी करती होगी, यानी कि वो दूर तक बात चली जाती है ना। तो मुझे मुझे भी एक क्वेश्चन मेरा हमेशा माइंड में आता है कि ये स्टैंडर्ड जो होता है ना एक अच्छी औरत लड़की का, ये सेट कौन करता है? यानी कि हर मर्द के माइंड में एक अच्छी औरत का स्टैंडर्ड अलग होगा। तो मैं देखती हूँ कि जैसे किसी लड़की बेचारी को शादी करनी होती है तो उसकी अगर थोड़ी सी जबान चल जाती है तो वो सोच में पड़ जाती है कि मैं मुझे ये लड़का अच्छा लग रहा है तो मुझे थोड़ी सी जबान कंट्रोल करनी पड़ेगी वरना तो मेरी शादी नहीं होगी। तो ये बीच बीच में सारे ये कल्चर के हमारे तो ये सारे फजूल से मसले आ जाते हैं क्योंकि एक मर्द के माइंड में एक अपनी तरफ से उसका स्टैंडर्ड बना होता है कि अगर औरत ये बोलती है, इस तरह की बातें करती है तो वो अच्छी है, अगर इस तरह की बातें करती है तो वो गंदी होगी, उसे दूर रहना है। तो मतलब कि वो स्टैंडर्ड पता नहीं ये लोग क्यों खुद से सेट कर देते हैं और उनको कोई हक नहीं बनता ना कि एक अपना वो सेट करे। मर्दों पे कोई स्टैंडर्ड नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड फ्रॉम टॉप जज किया जाता है, हमारे बाल दिख रहे हैं, चंद लोगों के लिए अगर हिजाब कर रही हो तो आप ठीक हो, चंद लोगों के लिए कि आप दुपट्टा ले रही हो तो ठीक हो, चंद लोगों के लिए स्लीव दिखा दी तो खराब औरत हो गई, चंद लोगों के लिए अगर आपने दुपट्टा सर पे नहीं लिया है तो खराब औरत हो गई है, यू नो। तो सारी ये चीजें हमारे टॉप टू बॉटम के पाओ भी टखने तो नहीं दिख रहे हैं इसके, है ना, टांगे खोल के तो नहीं बैठी हुई है ये, हम मोटर बाइक पे ही बैठना है, यहाँ तक के हमारी सेफ्टी की परवाह नहीं है इनको, पाकिस्तान में सेफ्टी गई भाड़ में, इतना गंदा माइंड है इनका, इतना गंदा माइंड है इनका कि अगर औरत टांगे खोल के स्कूटर में बैठ जाएगी तो पता नहीं वो बंदे का अंदर चला जाएगा उसके, राइट, नहीं एक चूतर में बैठो सिर्फ और एक बच्चे को यूं पकड़ो और एक चूतर में ही ना वहां पर बैलेंस करो, गिरती हो तो मरो खपो, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी शलवारें और साड़ियां पहन के जाओ ताकि वो साड़ियों के अंदर घूमे, ठीक है, और तुम नीचे गिरो और मरो, मगर अपनी बॉडी जो है वो साड़ियों और इतने बड़े बड़े जो है वो हिजाब और पता नहीं क्या क्या पहन के घूमो,
ये इनके स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं। मुझे जब मैं पाकिस्तान में गई ना, तो मैंने एक जगह रेंट की, तो वहां पर मुझे जब लोग आते थे ना, मीडिया वाले लोग मर्द होते हैं ना, यहाँ कहाँ आपने ले लिया, यहाँ तो सारे वो वैसे रहते हैं लोग। मैंने कहा कैसे लोग रहते हैं यहाँ, ज्यादातर 2 नंबर के लोग रहते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा है, मैंने कहा सही जगह पहुंची हूँ मैं, मुझे रहना ही नहीं 1 नंबर लोगों में, भैया मैं हूँ ही 2 नंबर ही, तो मैं इनके अंदर फिट हो जाऊंगी। और वाकई में वहां पे ये था कि अगर मुझे स्मोक करना होता था और मैं बाहर खड़े होकर स्मोक करती थी, नोबडी गिव अ शिट, नोबडी गिव अ शिट, बिकॉज़ एवरीबॉडी लिव देयर लाइफ। आपको अच्छी नहीं, कंपनी मिल गई अभी। अब देखे जी, कंपनी मिल गई है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से जो बड़ी एक बेचारी बुरखे वाली या जो होती है ना, जिनको आप बड़े पसंद करते हैं कि ये अच्छी लड़की है, उसका भी सुन ले, वो बेचारी इतनी दब जाती है कि वो बुरखे का सहारा लेती है ऐसे काम करने के लिए। दिल उसका भी चाह रहा होता है, वो भी छुप छुप के सिगरेट पी रही होती है, छुप छुप के बेचारी पता नहीं क्या कर रही होती है, और आपके सामने उसको एक मास्क लगाना पड़ता है अच्छाई का, कि जी माशरे में रहने के काबिल हो जाए। वरना तो मेरी इतनी सारी फ्रेंड्स हैं, वो हिजाब करती हैं लेकिन छुप छुप के वो पता नहीं क्या क्या कर रही होती हैं। और यहाँ पे, ठीक है, आप अपने बारे में अगर बना बताए ना हमें, जो आपने किया है या आपकी दोस्तों नहीं, ने। मैं तो हिजाब नहीं लेकिन पहनती, मैं तो पहनती ही नहीं हूँ हिजाब। ठीक है ना, जिनकी यार मिसाल दे रही है वो आपकी दोस्तें ही होंगी, लेकिन बहुत सारी औरतें अपनी मर्जी से ये सब कुछ कर रही हैं। वो आपकी दोस्त ही होंगी, उसका क्या मतलब है? मैं भी देखा है, आपको पता है, उन्होंने आपको पता कहा है है ना, बुर्का कौन वो पहनता कहा। था? शबीर मीर जी, मुझे आपको नहीं उनसे पता? हमदर्दी है, मुझे उन लड़कियों से हमदर्दी है। एक सेकेंड सारा जी, मुझे बताइए पुराने मैं जमाने में बुर्का कौन पहनता था, बताइए मुझे जरा। मुझे नहीं पता, पुराने जमाने में मैं नहीं था। नहीं पता आपको? पुराने जमाने चले में ना, बताए जब ये हो तवाइफें वगैरह होती थी ना, जब एंटरटेनमेंट वो। नहीं होती थी मुगलों के जमाने में, हाँ जब इनके लिए रक्स करने के लिए तवाइफों को बुलाया जाता था मुजरों के लिए, तो ये कोठेवाली पहना करती थी बुरके, या, क्योंकि और जब वो बाहर निकलती थी तो लोगों को पता ना चले ये कौन जा रहा है, ये छुप छुप करती थी। आज भी, वो एक सेकेंड, आज भी जब कोर्ट में बहुत सारी औरतें हैं ना, ये जो सेलिब्रिटीज वगैरह होती हैं, बुरके पहन के जाती ताकि लोग, और मैं भी बुरका पहन के घूमी थी पाकिस्तान में, जब मुझे पता चल गया था ना कि सबकी आंखें मुझे वैसे ही रेप कर रही हैं, तो मैंने कहा नहीं भैया यहाँ तो दुपट्टा भी काम नहीं कर रहा, मैं बुरका पहन के ना अंदर टैंक टॉप पहन के कच्छा पहन के निकलती थी बाहर। आई यूज टू गो लाइक दिस। और अरब कंट्रीज में ना अंदर कुछ नहीं पहनना होता, वो ब्लैक झब्बा डाला करा और बाहर निकल जाओ बस। और वहीं तो से सऊदी से ये बुरके की सिस्टम इंडिया और पाकिस्तान में आई। बाकी अर्ली 40s 50s में इंडिया में कोई मुस्लिम लड़की बुरके नहीं पहनती थी, बिफोर इंडिपेंडेंस। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में कोई इतना बुरका अभी भी, अभी है थोड़ा, पर पहले कोई नहीं पहनता था। और मुझे ये क्वेश्चन है कि वेस्ट की लड़की तो, लड़कियां तो यहाँ पे सिगरेट भी पीती है, डांस क्लब में भी जाती है, स्कर्ट भी पहनती है, तो फिर उसके बारे में ये लोग क्या सोचते होंगे? और इतना ही वेस्ट खराब है तो फिर यहाँ पे क्यों आते हैं ये लोग? यहाँ के आना है, सिटीजनशिप लेनी है, बच्चों के चाइल्ड बेनिफिट टैक्स पे उनको ऐश करनी है, और फिर इसी इसी वेस को गाली देना है कि ये लोग काफिर है। मुझे जो एक बात बताओ, मैं वैसे कहना जब चाह रहा हूँ, आप एक बात बताएं, यहाँ पर आपने यहाँ प्राइवेट में कमेंट्स लिखे हुए हैं, ये लिखे हैं ओए खुसरे तू जानवर से लो लव, ये कौन, ये जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं, चलो मैं तो एथियस्ट हूँ, मेरे को तो भाड़ में डालो, ठीक है ना, मुझे तो तमीज नहीं, आपको ये तमीज कहाँ से सिखाई है मुझे बताइए, आपको इस्लाम तमीज नहीं सिखाता? ये मैंने आपकी वीडियोस देख के सीखी नहीं तो आप क्या, तो फिर मेरे वीडियो देख के तो आप फिर एथियस्ट भी बन जाओगे, इसका मतलब है अगर आप सीख रहे हो तो, है है। ना, नहीं, हर हर चीज तो नहीं सीखूंगा ना आपसे। एक चीज ही तो नहीं सीखेंगे ना आप मेरे वीडियो से, आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है ना। और नहीं, मेरी दो तीन चीजें मेरी और भी सीखी है मैंने। पे खुसरों की ना, अगर कोई खुसरा है ना तो मैं उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, ठीक है, तो ये तो आपने कहीं और से ही सीखा, ये खुसरा, तुम जैसी औरत, मैं तो नहीं बोलती तुम जैसी औरत, ये तो आपने कहीं नहीं, और से ही खुसरे सीखा है। को खुसरा ना बोलूं तो क्या बोलूं फिर मैं? कौन था खुसरा यहाँ पर जो आपको दिख रहा था? वो जो एक्स क्रिश्चियन आया था, इनका ये है ओए खुसरा खुसरे तू जानवर से लो लेवल पर है, तू सब ह्यूमन लेवल पर है, पता नहीं क्या ये बोलना चाह रहे हैं, मगर ये आपकी तमीज है, आप अपनी, आपको क्या लग रहा है कि आप इस्लाम को बड़ा अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर? नहीं मैं तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा ना, मैं कुछ बातें जो उसकी डिफेंड कर रहा हूँ उसकी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ। जी शबीर मीर साहब, मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, मैं शर्त लगा के ये कहता हूँ, आप पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे देश में, कंट्री में नहीं गए, ज्यादा से ज्यादा कहीं मिडल ईस्ट चले गए होंगे, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? जी, ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल हाँ, देखिए जहन के दरीचे तब खुलते हैं, दुनिया की समझ तब आती है जब आप जाते हो, आप स्टडी करते हो, लोगों से मिलते हो, कल्चर्स देखते हो। तो आप कभी आए हुए हो ना, कभी सैर तफरी के लिए आप जाएं?
कभी मौका मिले। बदकिस्मती से अभी मैंने देखा था कि हमारा जो रैंकिंग है हमारे अपने पासपोर्ट की कोई मुंह नहीं लगाता हम पाकिस्तानियों को। तो मैं तो खैर से अब ड्यूल नेशनल हूँ तो कोई मुंह नहीं लगाता, वीजे हम लोगों को कोई देता नहीं, तो वो फिर हम एक दायरे के अंदर बंद हो जाते हैं। ये दायरा पता है कौन सा है? ये है दायरा इस्लाम। जब आपने दुनिया देखनी है, समझनी है चीजों को, आपको ये जो बाउंड्रीज हैं उससे बाहर निकलना पड़ता है। अब मैं काफी हैरान हूँ कि आप सारी आपकी तोपों के मुंह, बंदूकों के मुंह आपकी औरतों की तरफ क्यों है? यहाँ तो इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। मैं देखता था कि ट्रेन में सफर किया करता था, यहाँ पे न्यूयॉर्क में जाती थी, बाहर प्रेग्नेंट वुमेन होती थी, लोग बड़े आराम से उनके लिए सीट छोड़ दिया करते थे। अच्छा, तो हम नहीं कोई छोड़ते सीट, या हम बहुत मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये बताएं ना आप। आप तो ऐसे ही कह रहे हैं कि हम तो जानवर हैं। नहीं, प्रॉब्लम है ना, आप बस औरत को ये जहन में जो चीज डाली गई है ना कि औरत ये बड़ी कमतर किस्म की कोई मखलूक है, ये चीज पता है कहाँ से आई है? ये रिलीजन से ये आई कल्चर से आई है, इंडियन कल्चर से आई है, ये इस्लाम से नहीं आई। ये ओहो, इंडियन कल्चर से नहीं आई है? कहाँ से आ रहे हो यार, क्या बोल रहे हो? माय कॉमेडी गॉड, कॉमेडी, कपिल शर्मा शो बना दिया इसने। इंडिया से आई है, वाह भाई वाह। इंडिया हाँ, में अब तुम कहोगे कि अरे कास्ट सिस्टम भी नहीं आया इंडिया से, तुम ये भी कहोगे। अरे आया हो या नहीं आया, आपने लिया क्यों फिर? आया तो बहुत कुछ है, मेरे घर के बाजू में भी ब्रॉथल हाउस है, मैं नहीं जाता उसमें। हाँ तो फिर आप उसको इंडियन कल्चर को ही क्रिटिसाइज करेंगे ना, इस्लाम को तो नहीं करेंगे ना, उस पे अरे इस्लाम भैया को ब्लेम नहीं कर छोड़ो ना, सकते। छोड़ो ना, आपके वहां पे, आप ये इंडिया में जो मुस्लिम लड़की है उनके काफी आजादी उनको मिली हुई है, भाई बहनों दोनों को। आपके वहां पे तो ब्लैस्फेमी हो जाएगा, कोई लड़की जैसे बाहर आके बोलेगी वो मौलाना उसके ऊपर फतवे लगाने लगेगा। बोलो ना भाई, इंडिया में तो हाँ तो है, वो इंडिया में इस्लामिक तो कंट्री है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जैसा होगा उसी तरह रहेंगे। और क्या, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है कोई। हमारे वहां इंडिया में तो जिन्नत अमान ने 70s में बिकनी पहनी थी मुस्लिम लड़की ने, आपके वहां पे पहना हो किसी लड़की को टीवी पे बिकनी पहन के? देखो फिर ये भाई, ये मधुबाला भी मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती थी, इसके अलावा एक हाँ और भी थी ना उसी के दौर बहुत में, जिन्नत सारे अमान, हैं आज की तारीख जिन्नत में अमान के बिकनी। दौर में थी, उसको अरे आज मुझे मर गई थी हाँ वो बाद में, उसका मुझे नाम एंजल, याद नहीं। एंजल जी, आज की तारीख में भी कितनी मुस्लिम लड़कियां हैं जो मॉडलिंग भी करती है, उनको पूरी लिबर्टी है, आप कहीं पे भी चले जाइए। ऐसा नहीं है कि हिंदू लड़कियां, सिख लड़कियां ही करती है काम, फैशन डिजाइनिंग देख सुप्रवीण लो, बॉबी का कुश्ती मुझे देख याद, लो, इसमें इंडिया की कहाँ गलती है? इंडिया ने सुप्रवीण इतना बॉबी कुछ मुझे लिया, याद। आपने कुछ लिया नहीं, जो अच्छी चीज थी ली नहीं आपने, सिर्फ आपका मुल्क ले लिया आपने। अरे ऐसा कैसा मुल्क बना दिया जो 72 ईयर से खतरे में ही है, मुल्क खतरे में, मुल्क खतरे में, यही सुनते हैं हम लोग। ये उससे बहुत अच्छा बड़ा हम ब्लंडर था हमारे साथ रहते। इसके। मैं आपको नहीं कह रहा एंजल भाई, मैं शबीर भाई को कह रहा हूँ, उससे अच्छा हमारे साथ रहते आप, तो आपका कुछ भला होता। नहीं ये तो बिल्कुल हाँ, सही जो बात कह भला रहे हो। इंडिया में मुसलमानों का हो रहा है ना कि गोश्त, गाय का गोश्त भी नहीं खाने दे रहे, और जो योगी आदित्यनाथ आया हुआ है यूपी में, हाँ वो कितनी हाँ पाबंदियां लगा रहे हैं। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, और हाँ वो एक योगी जो है वो स्टेट का जो सारी वो मशीनरी है वो अपने हिंदुइज्म को फैलाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत अच्छा हाँ कंट्री है वो भी, नहीं, पर क्यों ना क्यों करे, जो जो बात नहीं? सही है वो सही सेकुलर है। कंट्री है नहीं, अगर सेकुलर कंट्री है तो फिर हिंदुइज्म क्यों फैला रहा है, और गाय का हिंदुइज्म, गोश्त खाने में क्यों पाबंदी है, हाँ तो अगर सेक्युलर इतना सेकुलर कंट्री सेक्युलर है? नहीं, सेक्युलर कंट्री है तो इंडिया के मुसलमान इकट्ठे होके बोले हम 4 शादियां नहीं करेंगे, हम मुस्लिम पर्सनल बॉ हटा देंगे। वो बोर्ड क्यों रखा हुआ है अभी तक, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हटाओ तो हटा क्यों दो, इंडिया हटा के? दो ना, हाँ हटा दो, तो इंडिया हटा के दो। मुसलमानों में हवा नहीं है कि हम अपने 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 लोगों को बोले कि ये सब हटाओ, हमें भी इक्वल राइट्स दो। नहीं तुम हटा दो ना, इक्वल राइट्स तो मिल रहे हैं अगर उनको, तो तुम भी उनको रोक क्यों रहे गोश्त खाने से, गाय का? हम कहाँ रोक रहे हैं, खाओ जिसे जो खाना हो, बीफ खाना हो तो नहीं नहीं बीफ कोई खाओ। नहीं, सब स्टेट्स में तो ऐसा नहीं है ना यार, इतना अरे तो भाई झूठ मत बोलो। आप देख लेना, आप शांति से देख लेना, आप देख लेना, जब आप लोग आपकी आप लोग आपकी इस्लाम की चौखट से बाहर ही नहीं आ रहे तो हम लोग क्यों हमारा हिंदुइज्म ना फैलाए, क्यों ना फैलाए? हाँ, तो फिर भी तुम भी तो बायस्ड हो ना यार, मानो कहाँ ना। बायस है, कहाँ बायस है? इस सबसे ज्यादा नहीं पढ़ाई तो अगर लिखाई तुम किस, ह्यूमन राइट्स पे इतना बिलीव करते हो तो ठीक है, अगर कोई दूसरा गलत कर रहा है तो तुम ठीक कर दो ना, अगर वो गलत कर रहे तो तुम ठीक कर अरे दो। मेरी बात सुनो, आज तक इंडिया की जितनी पार्टीज थी ना, उस वो सारी पार्टीज ने, इस टाइम बीजेपी ने सबसे ज्यादा मुस्लिम बच्चों और बच्चियों को पढ़ने की स्कॉलरशिप दी। ये दूसरी जितनी पार्टी आज थी सेक्युलर सेक्युलर करके, उन लोगों ने मुसलमानों को टोपी दी है। आप देख लेना यूपी में कहीं जाके देखना, कोई जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी कम्युनिटी है वो आज का देखना और 10 साल पहले का देखना,
कितना डेवलपमेंट हुआ है वहां पे, और आप लोगों को सिर्फ गाय का गोश्त दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आपका विजन ही ऐसा है, बच्चे ठीक है को यार, मेरे बच्चे को तो फ्री। भी बीजेपी मैंने का वही सपोर्ट बात है कही मेरे ना, को। इनका दिमाग, आप हम जैसे आप कह रहे हैं ना हमारी जैसी लड़कियां, आप जैसे मर्द जो है ना, आप लोगों को जरूरत है कि आप अपने नटशेल से बाहर निकल आए, कि और आपका मैडम मर्द हम मैंने हाँ, और ये सारे ये हम इस्लाम मुसलमान है तो हम सबसे अच्छे हैं तो दूसरे बेकार हैं, ये थिंकिंग ना बहुत पुरानी हो गई है। क्या मैडम मैंने आप जैसी का मतलब मेरा ये नहीं था, आप खुद शायद इतनी इनसिक्योर हैं कि आप उसको मतलब, अपने ऊपर पर्सनली नहीं ले क्या रही हैं। मतलब सर, मैं वही तो जानना चाह रही हूँ इतनी देर से, मतलब क्या है मेरी जैसी या दूसरी जैसी आप में क्या जैसे मतलब कि है। एथियस्ट, आपकी टाइप बता रहा हूँ एथियस्ट फेमिनिस्ट इस तरह बता रहा हूँ ना, जैसे मेरी टाइप मुस्लिम है, मेरे जैसा मतलब मुसलमान, दैट्स इट, इसमें क्या बुराई है? अब अगर आप मुझे कहेंगे कि तुम्हारे जैसा, तो मैं क्या ये समझूंगा कि मैं जी कोई जालिम हूँ, जानवर हूँ, कोई दहशत गर्द नहीं हूँ, ये तो थोड़ी आप तो समझूंगा ऐसे फिर बोल यार। रहे हैं ना, मेरे जैसी एथियस्ट का मतलब क्या, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? आप मुसलमान है तो मैं ये थोड़ी समझती हूँ आप इंसान नहीं है। मैं ये थोड़ी कह नहीं रही हूँ कि यार, आप अपनी चीज मत मानो भैया, आप मेरे बला से आप सेंटा क्लॉज पे बिलीव करो, अपना चीज आके ना मेरे पे मत थोपो बस। और अगर मैं क्रिटिसाइज कर रही हूँ तो मेरे गले मत काटो, हम तो यही कह रहे हैं आपसे। हमने कहा मेरी बला से आप किसी पे भी बिलीव करो, मुझको क्या जा रहा है, आई डोंट केयर। मगर मुझे आके मत बोलो कि तुम्हें भी तुम गलत कर रही हो क्योंकि तुम अपनी लाइफ अपनी वजह से जी रही हो, तुम तो दोसख में जाओगी, तुम तो हराम हो, नहीं, तुम्हारी जैसी औरत। आप गुजारे जैसे जैसे गुजारनी है आपने, मैं ये करता कि जो आप पैगाम फैला रही हैं, पाकिस्तान की 95% खातिन उससे एग्री नहीं करती, दैट्स इट। अग्री करती है शबीर भैया, पर वो बाहर आके बोलने से डरती है, दैट्स अ थिंग। हाँ, आप तुम पाकिस्तान में बीजेपी रहते हो ना यार, इसलिए। गले में गली, मैं तो रही हूँ ना पाकिस्तान में, मैं भाई तो रही हूँ ना किसी ने, शबीर, मैं तो रही हूँ हाँ पाकिस्तान में, मैं तो देखकर आई चले, हूँ। आप तो आप बताएं, ऑनेस्टली बताएं कितनी औरतें आपके साथ हैं, ये बताएं मेरे साथ तो बहुत सारी औरतें हैं, हाँ वो खुल के कितनी सारी। बोलती नहीं है क्योंकि उनको हाँ पता तो है फिर कि आपको क्या उनको पता, बोला तो उनकी गले काट दिए जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ऐसी औरतें बात गले नहीं है, काटती देखें जी इतना झूठा भी नहीं है उनका ईमान, जो लोग औरतें या मुसलमान हैं वो बिलीव है, करती हैं उस आपको रिलीजन पे, कैसे और वो पता, खुशी आपको खुशी कैसे उसमें। पता, आपको वही चाहिए, आपको वही आई कि मुझे औरतें ही फॉलो करती हैं, आपको कैसे पता, आपको कैसे पता, आपके पास कौन से स्टैट्स हैं ऐसे बताइए। मैंने जिनसे भी बात की, आपको लोग पसंद नहीं करते, जितनी औरतों को मैं जानता हूँ वो आपको आपको बिल्कुल कैसे पसंद नहीं करती। पता, अभी यहीं पे एक औरत आई, आपने औरत 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 बोल रहे थे धीरे से, तो अभी यहाँ पर है, मेरे मेरे तो इनबॉक्स में बहुत सारी औरतें मुझसे बातें करती हैं। मैं आपको बताऊं क्या हर किसी औरत का, मैं दिखाऊं क्या, इंडिविजुअल होते हैं ना, मैं दिखा इसलिए से नहीं सकती हूँ क्योंकि उनकी सेफ्टी मुझे कंसर्न है कि उनकी सेफ्टी जो है वो जेपरडाइज ना हो, तो इस वजह से मैं दिखाती नहीं हूँ, मगर बहुत है। और ये चीज ना आपको डराती है शबीर जी, यही चीज है ना, इसी से आप लोग डर रहे हो, मगर डोंट वरी, मेरा ये पैगाम ना इतनी औरतें सुन रही हैं, तुम लोग देखना तुम लोग सबकी फाड़ देंगी वो। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर स्केयर्ड ऑफ दैट, वेरी नहीं हैप्पी। क्यों हमारे क्यों फाड़ देंगे, क्यों हमने क्या जुल्म किया सर? बात ही तो यही है, आप लोग डरे हुए हो, औरतों को अगर सारे हुकूक मिल जाएंगे ना तो आप लोग डर गए हो कि आप लोगों की चलेगी नहीं फिर ये जो धोस जमाना होता है ना औरत पे, कि औरत हमारे सुन, हमारी सुने बस, ये पिटाइयां ये सारी चार शादियां सब बंद हो जाएगा फिर। कोई पिटाई शाही नहीं हो रही, मैं तो नहीं कर रहा यार, हमारे घर में तो नहीं होती। दरअसल हमारे जो मुस्लिम है ना, इनको एक कम्प्लेक्स है इनको कि ये आजाद हो जाएंगे तो बस फिर हम अपना हुक्म किसके ऊपर चलाएंगे, हमारी मर्जी नहीं चलेगी, ये एक बहुत मिसपरसेप्शन है इनका। मैं यहाँ दिगर कल्चर में देखूँ तो वो इतने लोग खुश होते हैं, मतलब औरतें जो हैं वो कितनी उनको हेल्प कर रही होती हैं। जैसे है कि मेरा एक बॉस है, वो खुद भी कमा रहा है, उसकी वाइफ भी कमा रही है, और उनकी फैमिली है, बच्चे हैं, एक दो बच्चे हैं, कितनी जबरदस्त एक्सीलेंट लाइफ उनकी गुजर रही होती है। और ज्यादातर ये खौफ खौफ में मुबतला है भाई, नहीं जब वो बाहर निकलेगी कुछ काम करेगी तो आपको हेल्प भी करेगी, आप उसको आजाद करोगे तो वो उड़ के आसमान पे नहीं चले चली जाएगी, वो जमीन पे ही रहेगी, एंजल जी मैं अपनी बात वो बोलूं, सोसाइटी में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं एक दफा आपको बताऊं, मेरी वाइफ ने कहा कि नया हमने सोफा लेना है, मैंने कहा क्यों, उसने कि ये कहा कि मैं चाहती हूँ मेरा घर खूबसूरत हो, मेरे कोई जाने वाले लोग आएंगे और मैं चाहती हूँ कि वो इसको पसंद करें और अप्रिशिएट करें, तारीफ करें,
अब एक वुमेन अपने उसको घर को इतना वो प्यारा सजा के वो जो रखती है, अगर वो पढ़ लिख जाएगी, वो किसी दफ्तर में एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएगी, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी, या किसी स्कूल की वो प्रिंसिपल बन जाएगी, किसी ऑफिस में वो मैनेजर बन जाएगी, वो बिल्कुल उस दफ्तर को अपने इंस्टीट्यूशन को उसी तरह से खूबसूरत बनाएगी जिस तरीके से वो अपने घर को बनाती है। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, बेशुमार मैंने यहाँ पे आके इंटरव्यू दिए, यहाँ पे मैंने इतना जबरदस्त मेरा एक्सपीरियंस रहा। मैं पाकिस्तान में सिविल सर्विस में था, ऑफिसर था मैं, फिर है मेरी अपनी घरेलू जिंदगी भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी, वो एक लंबी स्टोरी है। लेकिन ये मैं क्यों आया हूँ, मैं वैली जी हैं, फिर सुल्तान सलातीन हैं, मैं खुद इनको हमेशा मेरी कोशिश रही है कि आप बोलो, आप ज़रूर बोलो, जितना हो सका आपकी सपोर्ट के लिए हम आपके साथ खड़े होंगे, क्योंकि ये पर्सनल तजुर्बे हैं जिसकी बिना पर ये मैं ये सारी की सारी बातें कर रहा हूँ। ये शब्बीर मीर जो है ना, इन्होंने दुनिया नहीं देखी हुई, ये वही है डॉगमा, ये इसी को डॉगमा कहते हैं, ये बंद है, दायरे के अंदर बंद है। और बाकी ये हिंदुस्तान को क्रिटिसाइज कर रहे थे, देखिए मेरी बहुत ज़्यादा रिसर्च रही है हिंदुस्तान के ऊपर, हिंदुस्तान में हिंदू का डरता आई है ना, वो मुस्लिम्स की वजह से आई है। और मैं इसको बहुत बड़ा ब्लंडर कहता हूँ, मैंने बड़ी बहुत ज़्यादा रिसर्च की हुई है। और ये देखिए, जब आप एक किसी को थप्पड़ मारने की कोशिश करते हैं ना, तो अगला आदमी जो है वो आराम से नहीं बैठता, वो भी आपको करेगा रिएक्शन में, एक थप्पड़ मारेगा। ये सिलसिला बहुत पहले से शुरू हो गया था, ये 47 से पहले, चलो अंग्रेज थे वो डिवाइड एंड रूल किया करते थे, वरना ये हिंदू मुस्लिम ये सदियों से रह ही रहे थे वहाँ एक साथ, कोई इनमें इतने लंबी चौड़ी इश्यूज नहीं थे। और इस तरीके से ये पार्टीशन, शायद फिर कभी मौका होगा मैं अपने इंडियन फ्रेंड के साथ मिलकर इसके ऊपर बात करूंगा, कि सारी की सारी मेरी अपनी तहकीक है कि आज हम जिस स्नेज पे हैं, अभी हम आगे खाई में ही गिर रहे हैं। मुझे तो अच्छी फ्यूचर कोई मुझे अच्छा नजर आ नहीं रहा। तो बहरहाल आप कुछ कहना चाह रहे हो जे भाई? नहीं, मैं तो वो बोल रहा था कि मेरा ब्रदर डॉक्टर है, उनके साथ एक डॉक्टर लेडी डॉक्टर है, बहुत अच्छी पोजीशन पे, सीनियर है, तो उनका हस्बैंड ऑलमोस्ट 20 साल से घर से काम कर रहा है और 3 बच्चों को पाल भी रहा है, लाइक इज अ होम हस्बैंड, राइट। तो उसमें वो लोग कोई अपने आप को छोटा नहीं समझते कि मैं घर पे रह के काम कर रहा हूँ, बच्चों को परवरिश दे रहा हूँ, तो एक एज ए बाप मेरी जिम्मेदारी है, उससे छोटी बात कोई नहीं है। वो घर जमाई यहाँ पे वो कोई टैग नहीं लगाता इंडिया की जैसा, इंडिया पाकिस्तान या कई कई एशियन कंट्रीज की तरह। तो ये सब है, इसीलिए तो इतनी कंट्री, ये वेस्ट की कंट्रीज का ग्रोथ क्यों है, आप देख लीजिए इतनी सारी फीमेल्स यहाँ पर लीडर्स बनी हुई है। आप कहीं पर देख लीजिए, न्यूजीलैंड देख लीजिए, जर्मनी देख लीजिए, यूएस देख लीजिए, तभी तो आगे है, हमारा कनाडा में देख लीजिए, तभी तो ये कंट्रीज इतनी आगे है। अभी है दरअसल वो फिर एक बोझ बन जाती है ना, पहले तो यह कि खुशी नहीं होती, हाँ। कोई भी खुशी का, जब भी बेबी गर्ल होगी ना पाकिस्तानी कल्चर में, तो जिस कल्चर में है वो कभी इसको कंग्रेचुलेट भी नहीं करते। जब लड़का पैदा हो जाता है तो फिर क्या है जी, मिठाइयाँ और जनाब मुबारकबाद भी दी जाती हैं, और फिर कितनी सेलिब्रेशन की जाती है। तो और दूसरा जो है ये वही एटीट्यूड आपको बदलने की जरूरत है, हमारे इस थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में है। अगर हम एंजल साहब, ये चीज अब थोड़ी बदल रही है, अब बदल रही है, और इसका ताल्लुक भी रिलीजन के साथ नहीं है कि अगर कोई बच्ची पैदा हो गई तो उस पर बुराई होना, ये तो इसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं, कल्चर से जरूर था, लेकिन वो भी अब पढ़ी लिखी फैमिलीज में चेंज हो रहा है। ये पहले इंडिया में भी था पर अब बहुत चेंज हो गया पिछले कई साल से, पहले तो बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं थी बच्ची पैदा होने से, पर अब तो बहुत चेंज हो गया, अब तो ऐसे कपल्स हैं जिन्हें बच्ची चाहिए। चले ठीक है एंजल साहब, अब मैंने जरा जाना, मैं रेस्ट वगैरह करूंगा, और आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा, तो बाकी ये है कि मेरे पास वक्त नहीं होता, मैं हमारे पाकिस्तानी मोमिन से मुझे बहुत खुशी होती है, ये मेरा सबसे पसंदीदा मशगला है। और शब्बीर भाई को मेरी बात गलत लगी है तो माफ करना। नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आइंदा आता रहूंगा तो बात करेंगे, लेकिन ये है कि वुमेन्स के लिए कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल ना करें, मैं इतनी जरूर आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। नहीं, मैंने आज आपने करना होता है आप कर लीजिए, ये बहुत ओपन माइंड है मैलीज, और ये कोई इनसे अच्छे तरीके से बात करे, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये आगे से बुरे अल्फाज इस्तेमाल करें उसके लिए। अभी आप जो कह रहे थे ना कि ये पिछला कोई कालर आया है और उन्होंने उससे कोई मिसबिहेव किया है, ये मैं कितने पता नहीं कितने महीनों से इनको मैं सुन रहा हूँ, और इतना इतना कुछ कह के जाते हैं मोमनी,
ठीक है, ये तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने आज बात की थी। मैं सोच रहा था कि मैलीज को अभी इनका ब्लड प्रेशर अभी भी हाई क्यों नहीं हुआ, तो अभी आप नहीं, वो जो बातें सुने, ठीक है, बातें सुनते रहे, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता आज, लेकिन कुछ टाइम था, तो इसी तरीके से डिस्कशन से ही ये पता चलता है, लोगों के माइंड्स का पता चलता है, नॉलेज बढ़ता है, सबको सुने, मुस्लिम को भी सुने, एथियस्ट उनको भी सुने, और फिर जो बेहतर आपको महसूस लगे उसको आप एक्सेप्ट करें। जी सर, बाकी ये मैं कहना चाहूंगा कि जो मैडम ने कहा ना कि मैंने कहा इन जैसी, तो उसका मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं था कि इनमें कोई खराबी है, उससे मेरा यही मतलब था कि फैमिली और एथियस्ट, बाकी उन्होंने सीरियस ले लिया तो खैर मैं माजरत खुआ हूँ, लेकिन मैडम ऐसा कोई मेरा इंटेंशन मेरी ये नहीं थी। नहीं, मैं चीज बहुत दफा सुनती हूँ ना, अभी मैंने एक और वीडियो भी डाला है, उसमें भी वो बंदा यही बोल रहा था कि आप एथी के साथ तो सब कुछ सही है, तो ये मैं बहुत सुन चुकी हूँ ना, मैं इससे बोल रही हूँ। नहीं नहीं, चले चले, अगर आपको बुरा लगा तो मैं उनकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी माफी मांग लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, मैं फिर कभी आऊंगा, अभी मैं रेस्ट करूंगा, बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।